26 फीट और 35 फीट में अभी हम देखने जा रहे हैं 3 बेडरूम का नक्शा, 3 BHK हाउस प्लान, 3 BHK हाउस प्लान। क्लियर दोस्तों? तो देखिए आप यहाँ पे ये सब आपका विंडो का पोजीशन आ रहा है, ये सब आइए वेंटिलेटर हो रहा है टॉयलेट में, और ये विंडो का पोजीशन आ रहा है, ये आपका रास्ता हो गया, और यहाँ से आपका ये है कि इधर से आपका मैंने डोर दिया है किचन के लिए, और यहाँ पे आपका एक बेडरूम का डोर हो गया, इधर से आपका इधर से स्टेयरकेस जाएगा ऐसे। क्लियर? और ये रहा आपका डोर टॉयलेट के लिए, और ये दो डोर रहा दो बेडरूम के लिए। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे, जहाँ पे कितना बाई कितना का ये बेडरूम आ रहा है, किचन कितना बाई कितना का आ रहा है, ये सब के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है ये बेडरूम 12 फीट 6 इंचेस की मैंने ये पोर्शन को लिया है, और 12 फीट 5 इंचेस को मैंने ये पोर्शन को लिया है, और कृपया करके अभी इसे कैलकुलेट ना करें, बिकॉज ये आपको पूरने वाला नहीं है, मैं सब कुछ बतलाने के बाद में बतला रहा हूँ क्यों नहीं पूरेगा। उसके बाद हम बताए तो 11 फीट का इसे लिए हैं, 11 फीट ऐसे, ठीक है, और सेम दोनों एक ही डायमेंशन मैंने इधर से ले लिया है ये वाला, तो ये भी 11 फीट, ओके। और इसकी हम बात करें तो 5 फीट मैंने विड्थ ले लिया है, और ये होल डायमेंशन की अगर हम बात कर ले ना, इतने तक हम बात कर ले, जो फ्री स्पेस बचा हुआ है, तो ये फ्री स्पेस जो बचा हुआ है आपका 10 फीट 9 इंचेस ये स्पेस, और ये स्पेस जो है आपका 9 फीट का। क्लियर? समझ में आ रहा है ना ये स्पेस? अब हम बात करेगा यहाँ पे ये कितना का है, तो इसके ऊपर हम बात करेगा, पहले हम इधर इधर का डायमेंशन देख ले रहे हैं, इसका भी देख ले, तो 8 फीट मैंने इधर लिया है, और 5 फीट 4 इंचेस मैंने ये लिया है, 11 फीट का ये पोजीशन लिया है, इसको देख ले, 10 फीट का मैंने टॉयलेट का ये पोर्शन लिया है। क्लियर? और इसका किचन की बात करें तो 12 फीट 4 इंच का मैंने इधर लिया है, 12 फीट 4 इंचेस का ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक का होल डायमेंशन जो है 22 फीट 4 इंच है, 22 फीट 4 इंचेस है ये होल डायमेंशन, जो कि यहाँ तक यहाँ से इस पोजीशन तक की है। क्लियर? इसकी हम डायमेंशन की बात करें 12 फीट 4 इंच, 12 फीट 4 इंचेस दिख रहा है ना, ये आपका कैलकुलेशन रहा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 5 इंचेस का आउटर वाल और 5 इंचेस का इनर वाल, बाहर की दीवार 5 इंच, अंदर का दीवार 5 इंच लिया है। क्लियर रहा? ये रहा अब फुल कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे बात करेगा पिलर की, कितना पिलर आएगा, कितना कॉलम आएगा। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का आपको डिस्टेंस देना है, वो मैक्सिमम 13 फीट लगाना है, तो इस हिसाब से आप लगा लेंगे, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर, फिर भी ये सजेशन के तौर पे बताया गया है। तो ये आपका फुल प्रोसेस रहा, इसके बाद आगे का कार्यक्रम आप खुद कर लेंगे जितना आगे का प्रोग्राम है। तो चलिए ये प्लान यहीं तक रहा, कैसा लगा ये प्लान आप सब मेरे को कमेंट में बताइए, शायद अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।